जा ही रही है तो जरा सामान दुकान से बाहर ही रखे। तो दोस्तों ये हफ्ता इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छा हफ्ता साबित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली मलयालम, तेलुगु, बॉलीवुड, हॉलीवुड सभी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग्स काफी अच्छी लगी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलयालम सिनेमा की फिल्म द गॉड लाइफ यानी कि आधु जीवितम के 3 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, बॉलीवुड की फिल्म क्रू और टिल्लू स्क्वायर के 2 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 4th हफ्ते की शुरुआत किस तरह से की है और पुष्पा 2 का टीजर कब आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस फिल्म के लिए एक्साइटेड थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म द गॉड लाइफ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा अमाला पॉल नजर आने वाली है और दोस्तों ब्लैसी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि द गॉड लाइफ एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज किया गया है, और इस हफ्ते दोस्तों इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से शानदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली द गॉड लाइफ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 16.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, जो कि एक तरह से मलयालम सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग है। ऑडियंस दोस्तों पृथ्वीराज सुकुमारन की इस फिल्म को पसंद कर रही है, जिसमें पृथ्वीराज की एक्टिंग नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टिंग है। तो वहीं दोस्तों उनका साथ देने वाली अमाला पॉल ने भी फिल्म में काफी अच्छा काम किया है। फिल्म ने दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले अच्छे रिव्यूज के बाद अपने सेकंड डे में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड किया, और अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 7 करोड़ 20 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी 15 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 2 ही दिनों में 31 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से इस फिल्म को सुपरहिट फिल्म बना चुका है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के, तो दोस्तों अपने पहले ही दिन की तरह इस फिल्म के अपने तीसरे दिन की भी एडवांस है, और आज की एडवांस इस फिल्म के 2 करोड़ 56 लाख रुपए की है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 9 करोड़ 50 लाख रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से इस फिल्म के आज के कलेक्शंस 16 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 3 ही दिनों में 47 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी होगी, और दोस्तों इस साल मलयालम सिनेमा के लिए एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस साल मलयालम सिनेमा ने प्रेमलु, ब्रह्मयुगम और मंजुमेल बॉल्स जैसी कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, और दोस्तों अब यहाँ पर द गॉड लाइफ भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरी फिल्म दोस्तों टिल्लू स्क्वायर, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल ही रिलीज किया गया है, और दोस्तों ये फिल्म भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु सिनेमा के लिए एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि मलिक राम के डायरेक्शन में बनने वाली टिल्लू स्क्वायर, जो कि 2022 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म डीजे टिल्लू का सिक्वल है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको एक बार फिर से स्टार बॉय सिद्धू के साथ साथ अनुपमा परमेश्वरन नजर आने वाली है। तो वहीं दोस्तों उनका साथ दिया है मुरली शर्मा ने। बताते चले दोस्तों आपको कि डीजे टिल्लू एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म थी, जिसमें आपको टिल्लू का मैनरिज्म और उनका एक्ट खूब पसंद आया था, और दोस्तों अब टिल्लू स्क्वायर में भी सिद्धू बॉय ने जिस तरह का काम किया है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों कल रिलीज होते ही इस फिल्म ने इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ओपनिंग ली, और दोस्तों टायर 2 एक्टर्स में विजय देवरकोंडा और नानी जैसे सुपरस्टार्स को पीछे करते हुए स्टार बॉय सिद्धू की इस फिल्म ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर जहां $1 मिलियन के आंकड़े को टच किया, यानी कि लगभग 8.5 करोड़ रुपए की कमाई तो सिर्फ ये फिल्म अपने पहले दिन अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर ही कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों इंडिया में इस फिल्म को अपने पहले दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग मिलती हुई नजर आई है। लगभग 900 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली दोस्तों डीजे टिल्लू ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी कल अपने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली है, जिससे कि इस फिल्म का
अलावा दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो 21 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है। बताते चले दोस्तों आपको कि डीजे टिल्लू लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए के मामूली से बजट के साथ बनाई गई है, जिसमें आपको ब्यूटीफुल अनुपमा परमेश्वरम के बेहतरीन इंटीमेट सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने दूसरे दिन भी हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 17 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो ही दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 38 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका होगा। और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ दो ही दिनों में बन चुकी है। इस फिल्म का दोस्तों हिंदी ऑडियंस को भी काफी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के पहले पार्ट को हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी खूब पसंद किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म क्रू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है और दोस्तों इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि क्रू, जिसका डायरेक्शन किया है राजेश कृष्णन ने, और इस फिल्म के लीड में आपको करीना कपूर, तबू और कृति सेनन जैसी बेहतरीन ब्यूटीफुल लेडीज नजर आई है। दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का फिल्म में कैमियो है, लेकिन दोस्तों इन दोनों ने भी अपना काम बखूबी निभाया है। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली क्रू को ऑल ओवर इंडिया में अपने पहले ही दिन से ऑडियंस की तरफ से शानदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। तो वही दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए। ये फिल्म दोस्तों एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में अपने पहले ही दिन 3.5 करोड़ रुपए की एडवांस मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों कल इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दोस्तों 2024 में रिलीज होने वाली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और कई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए क्रू ने 9.2 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ली है। तो वही दोस्तों लगभग 12.80 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करने में कामयाब रही है। क्रू को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज भले ही मिल रहे हो, लेकिन दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन एक बार फिर से काफी अच्छा ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शंस है वो भी काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज अपने दूसरे दिन लगभग 3.8 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई है। मॉर्निंग से ही इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी आज की 32 से 38% की है। वहीं दोस्तों रंग पंचमी का फायदा इस फिल्म को आज भी बॉक्स ऑफिस पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये फिल्म दोस्तों आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां डबल डिजिट के आंकड़े को टच करते हुए 11 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 20 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म शुरुआती दो दिनों में 28 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने की वजह से दोस्तों इस फिल्म का बजट भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में दोस्तों क्रू अगर 60 करोड़ रुपए की कमाई भी कर लेती है तो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन सभी फिल्मों को पीछे कर चुकी है और दोस्तों इस साल के टॉप ओपनर फिल्म साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि गॉडजिला और कॉन्ग के मॉन्स्टर यूनिवर्स की एक मच अवेटेड फिल्म है यहाँ पर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से शानदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों एडम विनगार्ड के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि वार्नर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई कॉन्ग और गॉडजिला की ये फिल्म ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म ने एडवांस में ही 2024 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, वहीं दोस्तों कल अपने पहले ही दिन 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर अजय देवगन की फिल्म शैतान के कलेक्शंस की बराबरी इस फिल्म ने कर ली थी। बताते चले दोस्तों आपको कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में दोस्तों कॉन्ग और गॉडजिला का जो एक्शन है वो तो लाजवाब है ही, साथ ही साथ दोस्तों विजुअल्स भी फिल्म के काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो छोटा कॉन्ग है वो भी आपके दिलों में जगह बनाने में कामयाब होने वाला है। ये फिल्म दोस्तों कल
अपने पहले दिन जहां इंडिया में 15 करोड़, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही है, जिसमें दोस्तों अमेरिका से इस फिल्म का जो प्रीमियर शो है वो ही 10 मिलियन आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि 85 करोड़ रुपए तो इस फिल्म ने सिर्फ प्रीमियर से ही कमा लिए थे। बता दें चले दोस्तों आपको कि चाइना में भी इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है, और चाइना में इस फिल्म को कल अपने पहले ही दिन काफी अच्छी ओपनिंग मिली है, जहां पर यह फिल्म 25 मिलियन डॉलर के आंकड़ों को पार कर रही है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से शानदार कमाई करते हुए लगभग 16 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 900 करोड़ रुपए आज पार कर चुकी होगी। इस तरह से दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दो ही दिनों में एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, और इंडिया में 31 करोड़ और दुनिया भर में 900 करोड़ रुपए कमा चुकी है। मुझे लगता है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में जल्द ही शामिल होगी, क्योंकि दोस्तों अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म तो है नहीं, इसी वजह से दोस्तों ये फिल्म अगले हफ्ते भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म शैतान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही, और दोस्तों आज अपने 23वें दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि विकास बहल के डायरेक्शन में बनने वाली शैतान, जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म के लीड में आपको मैडी और अजय देवगन नजर आए हैं। ये फिल्म दोस्तों जहां अपने पहले दिन 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही थी, तो वहीं दोस्तों अपने 3 दिनों के वीकेंड में 55 करोड़ और पहले ही हफ्ते में 81 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। सुपरस्टार अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए थे। यही वजह है दोस्तों कि अपने दूसरे हफ्ते में भी इस फिल्म ने 36 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा ट्रेंड करने में कामयाब रहे, और इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अपने तीसरे हफ्ते में भी की है। 3 ही हफ्तों में दोस्तों 138 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी शैतान ने कल अपने 22वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए 1,40,00,000 रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 23वें दिन एक बार फिर से 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 142 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। 21 दिनों में दोस्तों ये फिल्म टोटल 197 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। कल और आज के कलेक्शंस को मिलाकर दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 203 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार अजय देवगन की ये फिल्म इस साल की बॉलीवुड के लिए पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों बता दें आपको कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए इस फिल्म का एक धमाकेदार टीजर आपको 8 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है, जहां पर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का बर्थडे है, और उनकी इस मच अवेटेड फिल्म का एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड टीजर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो मैं दोस्तों पुष्पा 2 के इस टीजर को देखने के लिए एक्साइटेड हूं। आप भी क्या इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।